हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, 7-8 मार्क में आने वाला है इस बार। सेमीकंडक्टर में हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसको वैलेंस शेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इसी प्रकार से एक सॉलिड में जो टॉप मोस्ट बैंड होता है उसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ आए? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है उसको कंडक्शन बैंड नाम देते हैं उस रीजन को, द रीजन इन विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड कंडक्ट करंट। यूँ समझ लो कि किसी भी लैटिस में, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकल के पूरे लैटिस में घूमने लग जाता है तो हम बोलते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है। इसके बाद है फर्मी एनर्जी लेवल। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है, जैसे ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये सब कम्प्लीटली फिल्ड हैं और ये जो है वो हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा वैलेंस बैंड, इसके ऊपर जो है वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वैलेंस बैंड हुआ। और वैलेंस बैंड में मैक्सिमम एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स के पास उसको हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, एंड दिस लेवल इज डिफाइंड एज एट 0 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एट 0 केल्विन टेम्परेचर द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल अप टू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड्स। सबसे पहले मेटल्स आता है। आप मेटल्स में देख सकते हो कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है ये ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब वैलेंस बैंड जो है वो थोड़ा सा कंडक्शन बैंड के अंदर है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑलरेडी कंडक्शन के लिए अवेलेबल हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस पोटेंशियल देंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगेंगे और कंडक्ट करेंगे करंट। हेंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उनके बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट इज़ ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि वो यहाँ से यहाँ जंप करके जा सकें, मतलब रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स जो हैं वो ज़रा भी कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज़ लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिलिकॉन के लिए 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे अब 0 केल्विन की अगर हम बात करें तो 0 केल्विन पे इतनी एनर्जी भी नहीं मिलती इलेक्ट्रॉन्स के कि वो यहाँ से यहाँ तक जा सके, ठीक है। तो 0 केल्विन पे दे बिहेव एज इंसुलेटर्स, मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन के लिए नहीं है, ना ही कोई नीचे होल है, तो ये जो है इंसुलेटर की तरह काम करता है एट 0 केल्विन। पर रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स जो है बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं और नीचे होल्स बन जाता। तो इस प्रकार से सेमीकंडक्टर जो है रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी बहुत कम होती है पर होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी बैंड्स का डिफरेंस आप लोगों को पूछा जा सकता है या 3 मार्क में आ सकता है कि भाई 3 मार्क एक्सप्लेन करो, या 2 मार्क में आ सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, फिर भी करना चाहिए। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि मेटल्स में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे लिख दिया कंडक्टिविटी घटती है, कैसे घटती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन ऑफ एटम्स होता है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स अगर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, जितना ज़्यादा कोलिजन मतलब उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी मतलब उतनी कम कंडक्टिविटी। तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी घटती है मेटल्स में। सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है, अभी हमने देखा कि 0 केल्विन पे वो जो है इंसुलेटर की तरह काम करता है और रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करता है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं और नीचे वैलेंस बैंड में होल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंडक्शन में मदद करते हैं तो कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो ग्राफ वगैरह भी आप लोगों को बनाने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें हम लोगों ने कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग, ध्यान रहे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है जबकि एक्सट्रिंसिक की कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी बढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक तो हम लोगों ने अभी देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, पर टेम्परेचर हम लोग एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते वरना सेमीकंडक्टर जो है वो पिघल जाएगा, गल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ डोपिंग।
अब ये एक फॉरबिडन एनर्जी गैप या फर्मी एनर्जी गैप का डेफिनेशन रह गया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम फर्मी एनर्जी लेवल टू कंडक्शन बैंड। फर्मी एनर्जी लेवल में अभी आपको बता चुका हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, वहाँ से उनको कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसकी वैल्यू सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए लिखी हुई है, आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग अब जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दो प्रकार के, उसमें से इंट्रिंसिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि जर्मेनियम सिलिकॉन, इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में दर्जा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वैलेंस बैंड में जो है सिलिकॉन एटम्स इस प्रकार के आजू बाजू के सिलिकॉन एटम के साथ चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जीरो केल्विन पे तो ये सब एकदम इंटैक्ट रहते हैं, कोई भी बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होता है, पर रूम टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से अगर एनर्जी गेन करेगा तो रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। यूँ कह सकते हो कि पूरे लैटिस में वो फ्रीली मूव करने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया ऊपर कंडक्शन बैंड में और यहाँ पे क्या बन गया, होल, ठीक है। इसे होल कहते हैं, होल इज़ द डेफिशिएंसी और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो आजू बाजू वाले सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं और उसको जो है रोक लेते हैं, बाकी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं, उनको जाने नहीं देते हैं। दूर कहीं से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, हीट एनर्जी गेन करके, और वहाँ पर फिर से बन जाता है होल। दूर मैंने बोला मतलब 10^8 एटम्स में से एक आध इलेक्ट्रॉन जाता है, सोचो 10^8 एटम्स में से एक आध इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो ये जो है पास पास में भले आपको दिख रहे हैं पर होते काफ़ी दूर हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे दो होल हैं और ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों कंडक्शन में मदद करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बैटरी कनेक्ट करूँगा प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, समझ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन मूव करें तो इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, दैट इज़ आई ई, ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ पे होल बना है उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से ऐसे जंप करेगा। देखो यहाँ पे होल बना है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके इस होल में जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, होल। फिर इधर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर जाके जंप करेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, होल। तो हम कह सकते हैं कि होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और क्योंकि होल्स का चार्ज प्लस ही होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से जो करंट होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ आई एच, एंड दैट टोटल करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब डोप्ड सेमीकंडक्टर, जिसमें दो प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन द डोपिंग, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप मतलब हम लोग उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम एक्सेट्रा। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, जैसे कि फॉस्फोरस, बिस्मथ, एंटीमोनियम आर्सेनिक एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि जैसे जो सिलिकॉन था उसमें हम लोगों ने एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी एटम मिलाई, ठीक है। जो एल्यूमिनियम यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है वो हमने मिलाई, तो एल्यूमिनियम क्या करता है सिलिकॉन को हटाता है, खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। एल्यूमिनियम के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ट्राइवेलेंट है, तो एक, दो और तीन, तीसरी उसके पास कमी है, तो वो क्या करता है बाजू में से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। और बाजू में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, होल। अब दूसरा गर्मी की वजह से, थर्मल एजिटेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो नीचे एक और क्या बन जाएगा, होल। आप देखो यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक होल है, मतलब नंबर ऑफ होल्स आर टू एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर है वो कितने हैं, सिर्फ वन। तो नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो मेजोरिटी है यहाँ पे, इसलिए नाम पड़ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज़ पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों ध्यान से सुनना, भले वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इस पर अगर तुम्हें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आंसर होगा न्यूट्रल, ना कि पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ वो इधर से इधर मूव करना, इसका मतलब ये नहीं कि उनका चार्ज जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम कहते हैं।
और इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से उसका चार्ज हो गया नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया ए एल माइनस। दूसरा यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे। एल्यूमिनियम को यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने में या ये होल बनाने के लिए यूँ समझो कि जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि यहाँ से ऊपर तक जाना है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज़ नियरली 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये है कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड। यहाँ से यहाँ जाना है तो 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ से खींच रहे हैं, एक सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे इसको देखो, एल्यूमिनियम को यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो ये समझो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कह रहे हैं। इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने में कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी चाहिए। और नीचे यहाँ पे क्या बन जाएंगे, होल्स। हमें पता है होल्स भी कंडक्शन में हेल्प करते हैं, तो ये होल्स जो है कंडक्शन में हेल्प करेंगे, और ऊपर जो है सिर्फ एक आध इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर हेंस इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लेते हैं, एग्जांपल इज फॉस्फोरस, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे हम लोग एक फॉस्फोरस इंप्योरिटी एटम मिलाते हैं तो वो क्या करता है, वो सिलिकॉन घटा के खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ जाएगा। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4 और ये पाँचवा एक्स्ट्रा। ये पाँचवा जो है ऊपर कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी चाहिए। जबकि गर्मी की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो फटाफट चला गया, ये यहाँ से चला गया, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और नीचे होल कितने बने, सिर्फ एक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ होल्स, जितने ज़्यादा इंप्योरिटी आइटम मिलेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि एक इंप्योरिटी आइटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए नाम बढ़ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपको एग्जाम में पूछा जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज कितना, तो इसका भी आंसर होगा 0, न्यूट्रल है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये होल को, सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, नीचे बन गया होल, ठीक है। और ये है अपने फॉस्फोरस का एनर्जी लेवल, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल होता है। उसको हमें अगर कंडक्शन बैंड में भेजना है तो हमारे को सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। एनर्जी बैंड डायग्राम में भी डिफरेंस पूछा जाता है कि भाई ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, इन दोनों के एनर्जी बैंड में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों को डायग्राम बनाना है और बता देना है कि क्या क्या डिफरेंस है, कि इसका एनर्जी लेवल जो होता है एक्सेप्टर डोनर एनर्जी लेवल जो है वो यहाँ पे होगा कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, और यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है। इस प्रकार से आप लोग पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, इसको हम लोग मास एक्शन लॉ कहते हैं, और ये आप लोगों को जो है फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको जैसे मान लो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें आप लोगों को गिवन है कि हमने कितने फॉस्फोरस एटम मिला है, तो मैं बोला आपको जितने फॉस्फोरस एटम मिला होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे एनी की जगह नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम भी लिख सकते हो और एन एच आप लोग फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली पी टाइप में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स अगर आपको गिवन हो, जितने एल्यूमिनियम एटम होंगे उतने होल्स बनेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स की जगह नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम भी लिख सकते हो और एनी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। हमें पता है फॉर्मूला के जो करंट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। हमें करंट का फॉर्मूला पता है कि एन ई ए वी डी होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा है एन ई ए वी डी। होल्स के लिए भी एन ई ए वी डी। वी एच इज वेलोसिटी ऑफ होल्स, वी ई इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। करंट इतना है तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसमें से ये एरिया कॉमन निकाल के हमने यहाँ पे नीचे रख दिया, बाकी जो बचा था वो लिख दिया, ठीक है, और ई दोनों में कॉमन निकल गया। अब हमें पता है कि जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, और सिग्मा को हमें फाइंड करना, तो ई को नीचे भेज दो, तो मैंने ई को दोनों के नीचे भेज दिया। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी म्यू। तो वी अपॉन ई इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी एच अपॉन ई इज मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो इस प्रकार से हमें कंडक्टिविटी मिल जाती है सेमीकंडक्टर की, और ये एक्सट्रिंसिक की है, और अगर इंट्रिंसिक की चाहिए तो एन ई और एन एच को इक्वल कर दो, एन आई के बराबर कर दो। तो यहाँ पे भी एन आई लिख दो, यहाँ पे भी एन आई लिख दो, और एन आई कॉमन निकाल दो। आपको एग्जाम में कंडक्टिविटी पूछे तो ये डिराइव करो, आपको करंट पूछे तो आप ये इक्वेशन लिख दो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से लिखना आना चाहिए, ठीक है।
अब हम लोग जो है पीएन जंक्शन देखते हैं। जो पीएन जंक्शन है उसमें देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है, उसमें आधे को हम लोगों ने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से मिला दिया और आधे को हम लोगों ने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से मिला दिया है। तो यहाँ पे बन गया पी टाइप और यहाँ पे बन गया एन टाइप, इसको हम लोग पीएन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जंक्शन फॉर्म होता है और हम लोग बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो इसको हम लोग जो है अनबायस्ड पीएन जंक्शन कहते हैं। इसमें होल्स इधर से मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करते हैं और जंक्शन के पास आके रिकॉम्बिनेशन होता है इनका, और इस रीजन में एक भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर, द लेयर विच इज़ डिप्लीटेड ऑफ द मोबाइल कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है, इसलिए इस रीजन को हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं या फिर स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं, जिसमें जो है ये फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड आयंस है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अनबायस्ड पीएन जंक्शन के बारे में बताया। इसमें दो चीज़ें आप लोगों को बता होनी चाहिए, फर्स्ट इज डिप्लीशन लेयर एंड सेकेंड इज पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर के बारे में हम लोग देख लिया, अब हम पोटेंशियल बैरियर के बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगी, इस होल को मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उधर की तरफ फोर्स लगाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, मतलब इधर की तरफ। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन क्रॉस करने नहीं दे रही है, मतलब एक बैरियर की तरह काम कर रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बट वैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है, इसलिए हम लोग इसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। आप देख सकते हो ड्यू टू द फिक्स्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप विच अपोजेस द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स थ्रू द जंक्शन, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इतनी होती है 0.38 और 0.7 वोल्ट। ओके, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड आपको पूछा जाता है तो आपको ऐसा ही सिंबल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज बायस्ड पीएन जंक्शन। बायस्ड मतलब हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट की है। दो प्रकार के बायस्ड हो सकते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस, दूसरा होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव में जो है मेजोरिटी होल्स होते हैं पी टाइप में, तो ये प्लस क्या करेगा, ये होल्स को जो है रिपेल करता है और ये माइनस जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और ये लोग जंक्शन की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर वो धीमे धीमे कम होता है। जैसे जैसे हम लोग बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे डिप्लीशन लेयर धीमे धीमे कम होगा, और जब ये पोटेंशियल बैरियर से ये वोल्टेज बढ़ता है या वहाँ तक पहुँचता है तब ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, जो कि इतना होता है 0.7 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल बैरियर पूरा ख़त्म हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो इजीली जंक्शन क्रॉस कर सकते हैं और उसकी वजह से जो है करंट होगा, मूवमेंट ऑफ होल्स और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है। ठीक है, तो करंट बहुत बढ़ जाता है। फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले बताया हुआ है कि पी टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल वाइल एन टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव टुवर्ड्स द जंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डिप्लीशन लेयर रिड्यूसेस। नाउ व्हेन द वोल्टेज इंक्रीजेस बियॉन्ड द पोटेंशियल बैरियर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स स्टार्ट्स क्रॉसिंग द जंक्शन एंड हेंस द करंट इंक्रीजेस रैपिडली। ये जो फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज होता है जहाँ पे करंट रैपिडली बढ़ता है, इसे हम लोग जो है नी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। दूसरा नाम है कट इन वोल्टेज। नी वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बता दिया आपको कैरेक्टरिस्टिक। आप देख सकते हो कि इनिशियली व्हेन द वोल्टेज इज वेरी लो करंट एकदम ना के बराबर है, धीमे धीमे करंट बढ़ रहा है जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, और नी वोल्टेज पे आप देख सकते हो कि करंट जो है वो एकदम से बढ़ता है। ठीक है, दिस करंट इज इन मिली एम्पियर, तो यहाँ पे आप लोग मिली एम्पियर लगा सकते हो। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, उसका सिंबल है, और पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। वोल्ट मीटर और एमीटर लगाए हैं ताकि हम लोग रीडिंग ले सकें। नेक्स्ट इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है कि पी टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव क्या करेगा, होल्स को अट्रैक्ट करेगा, मतलब होल्स इस तरफ आएंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, जिससे डिप्लीशन लेयर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज, ऐसा मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब अगर हम लोग वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज तक लेके जाएंगे, या यूँ कह सकते हो कि हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लेके जाते हैं, उस केस में सारे बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पैर प्रोड्यूस होते हैं और करंट बढ़ जाता है एकदम से। और ये करंट जो बढ़ता है उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उस डायोड को जो है वो पिघला देती है या डैमेज कर देती है, ठीक है। तो रिवर्स वाइस में इसलिए हम लोग जो है नॉर्मल पीएन जंक्शन को ऑपरेट नहीं करते हैं या वो खुद काम नहीं करता। तो ये है हमारा पी टाइप इज़ कनेक्टेड टू एन एंड एन टाइप इज़ कनेक्टेड टू पी, रिवर्स वाइस में हो गया। वोल्ट मीटर और माइक्रोमीटर रीडिंग के लिए ये जो करंट है दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, और ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। आपने वोल्टेज यहाँ रखा तो भी करंट इतना, यहाँ तो भी इतना, तो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज ये जो करंट है ये माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से होता है, और माइनॉरिटी चार्जेस जो होते हैं वो थर्मली जनरेटेड होते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो हीट की वजह से जाता है, समझ रहे हो, उसकी वजह से जो है वो करंट होता है। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसमें करंट एकदम से बढ़ता है और डायोड डैमेज होता है। तो ये ग्राफ है तुम्हारा रिवर्स बायस का और ये ग्राफ है फॉरवर्ड बायस का, तुम्हें इन दोनों ग्राफ को मिक्स करके बना देना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो स्टैटिक रेजिस्टेंस पूछा जाए किसी भी पॉइंट पे, सपोज पी पॉइंट पे स्टैटिक रेजिस्टेंस पूछा है, तो डायरेक्ट उस पे जो वोल्टेज है वो और करंट है वो वैल्यू लिख दो। अगर डायनेमिक पूछा जाता है तो चेंज देखना आपको कि कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है उसके आजू बाजू, कोई पॉइंट ले लो और करस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट कितना उसको डिवाइड कर दो, आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये ट्रांजिस्टर था तब तक तो काफ़ी पूछे जाते थे इस पे क्वेश्चन डायनेमिक रेजिस्टेंस पे, अब अगर इच्छा हुई तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक दे के आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दो प्रकार के रेक्टिफायर हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का ये जो है वो सर्किट है जिसमें एक डायोड होता है, ये ट्रांसफार्मर है, ये एसी सप्लाई है इनपुट, ये डायोड है और ये लोड रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम लोग आउटपुट लेने वाले हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है बच्चों, जो यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं ट्रांसफार्मर से, जो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी पोलारिटी ऐसी होती है कि ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव। नाउ पी इज़ कनेक्टेड टू पी, एन इज़ कनेक्टेड टू एन, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस जिसकी वजह से ये करंट अलाउ करता है अपने अंदर से फ्लो होना और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है विच इज़ सेम एज दैट ऑफ इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ये पोलारिटी चेंज हो जाती है, यहाँ पे माइनस आता है यहाँ पे प्लस, तो अब ये रिवर्स बायस की तरह काम कर रहे हैं तो ये कंडक्ट नहीं करता, मतलब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और यहाँ पे हमें आउटपुट जीरो मिलेगा, तो हमने यहाँ पे जीरो आउटपुट बता दिया। तो क्योंकि ये सिर्फ हाफ साइकिल में काम करता है इसलिए इसका नाम पड़ गया हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होते हैं D1 और D2, और इसे सेंटर टेप रेक्टिफायर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी जो कॉइल है उसके सेंटर से टैपिंग की जाती है और लोड रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ लगाते हैं और वोल्टेज हम लोग इसके अक्रॉस लेते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होती है तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे भी हम नेगेटिव लिख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव, जिसकी वजह से D1 डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा बिकॉज P इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव। ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ये रिवर्स बायस होता है, ठीक है। तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज इन द अपर सर्किट, तो ये अपर सर्किट है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे को जो है जैसा इनपुट होता है वैसे हमको आउटपुट मिल जाता है। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे पोलारिटी सारी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो अब ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है और ये रिवर्स बायस, तो करंट इस बार ऐसे फ्लो होगा। अब आप देख सकते हो कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें दोनों ही केस में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है इसकी वजह से हमारे को सेम डायरेक्शन में आउटपुट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डायोड D1 डायोड फॉरवर्ड बायस था और यहाँ पे D2 डायोड फॉरवर्ड बायस,
ये हमें D1 की वजह से मिलेगा, ये D2 की वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी फुल वेव के लिए आउटपुट मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर के जो आउटपुट होते हैं उनको हम लोग पल्सेटिंग DC कहते हैं, ठीक है। मतलब वो DC तो है पर वो पल्स के फॉर्म में, मतलब उसमें कुछ AC का कंटेंट है, तो वो AC का कंटेंट जो है उसको निकालने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट से पास करते हैं। तो फिल्टर सर्किट इज़ यूज टू स्मूथन द पल्सेटिंग DC विच इज़ द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन बताई हुई है, इस तरीके से एक क्लिपिंग सर्किट होती है जिसमें हम लोग इसको पास करते हैं तो वो इसको क्लिप कर देती, काट देती है, तो इस प्रकार से हमारे को आउटपुट मिलता है। ये भी 100% प्योर DC तो नहीं है, पर फिर भी इसके कंपेरिजन में बेटर है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सर्किट्स बताइए, यह है L सर्किट, यह C सर्किट, यह LC सर्किट और यह पाई सर्किट। इसमें हमेशा आप एक चीज़ ध्यान में दोगे कि इंडक्टर हमेशा सीरीज में होता है लोड रेजिस्टेंस के, और कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में होता है। उसका रीज़न यहाँ पर है, ये एक्चुअली फिल्टर सर्किट्स हैं, ठीक है, सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैं ऐसे बता रहा हूँ। इंडक्टर में XL is 2πfL, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो जैसा कि DC में होता है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब ये DC को ईजिली जाने देगा, तो हमारे को आउटपुट में DC मिल जाएगा। और कैपेसिटर क्या करेगा, DC को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो रखोगे तो यहाँ पे इनफिनिट, तो DC को ये इधर आने ही नहीं देगा, इसलिए इसको पैरेलल में रखते हैं, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ से पास हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें आउटपुट में DC मिलता है, ठीक है। अब हम लोग जो है स्पेशल डायोड्स देख रहे हैं, जेनर डायोड, फोटो डायोड, LED और सोलर सेल, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले जेनर डायोड, उसका सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। जेनर डायोड एक हेविली डोप्ड डायोड है, उसको काफ़ी डोपिंग ज़्यादा की जाती है ताकि जो है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हम रिड्यूस कर सकें। इट इज़ हेविली डोप डायोड मेड टू ऑपरेट इन ब्रेकडाउन रीजन विदाउट डैमेज। तो अब ये जो है उस रीजन में काम कर सकता है जहाँ पर नॉर्मल डायोड काम नहीं कर रहा था, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल डायोड इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में एकदम नॉर्मल डायोड की तरह ही है, इसलिए आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो, वो एकदम फॉरवर्ड बायस में भी सेम है और रिवर्स बायस में भी सेम है, बस ये यहाँ पर डैमेज नहीं होता, उल्टा हम लोग इसको यहीं पर ऑपरेट करवाने वाले हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। ये जेनर डायोड है जिसको हम लोग ने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, आप देख सकते हो दिस इज़ P, दिस इज़ N, तो N इज़ कनेक्टेड टू P एंड P इज़ कनेक्टेड टू N। ये लोड रेजिस्टेंस है, हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए, और ये सीरीज रेजिस्टेंस है। जेनर डायोड इज़ अ वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से हमारे को मिलता है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट का नाम है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स क्लास 12, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, अगर हमें आउटपुट में 10 वोल्ट चाहिए तो हमें जेनर डायोड का जो जेनर वोल्टेज होता है वो भी 10 वोल्ट होना चाहिए, ऐसा हमें मार्केट से ख़रीदना है, ठीक है। फिर अगर हम इनपुट में 10 वोल्ट से कम देंगे, अगर यहाँ पर हम लोग या 12 वोल्ट देते हैं, कुछ भी देते हैं, और हमें यहाँ पर 10 वोल्ट से कम मिलता है, क्योंकि क्या होगा इनिशियली ये भाई साहब काम नहीं करता है और ये दोनों वोल्टेज डिवाइड करेंगे जो भी हम लोग यहाँ पे देंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे देता हूँ 15 वोल्ट, तो हो सकता है यहाँ पे 9 वोल्ट हो और यहाँ पे 6 वोल्ट हो, ये सीरीज़ में जो है वोल्टेज डिवाइडर की तरह एक्ट करते हैं। एक बार इसका वोल्टेज 10 वोल्ट होगा तभी ये एक्टिव होगा, अगर इसका वोल्टेज 10 से कम है तो ये जेनर डायोड काम नहीं करता। इफ़ द आउटपुट इज़ लेस देन 10 वोल्ट द डायोड डज नॉट वर्क। नाउ When the output becomes equal to 10 volt, the diode conducts and maintains a constant voltage of 10 volt. ठीक है, as both are in parallel. अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब एक बार वोल्टेज यहाँ पर 10 वोल्ट का होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही एक्टिव हुआ तो हमें पता है इसका जो VZ है वोल्टेज दैट इज 10 वोल्ट, और अब ये पैरेलल में है तो हमेशा इसके अक्रॉस हमें 10 वोल्ट ही मिलने वाला है। अगर हम इसका वोल्टेज और बढ़ाएंगे भी, सपोज 17 करते 18 करते हैं, तो जो एक्सेस करंट होगा वो यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से तो एक्सेस करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें आउटपुट में वोल्टेज 10 वोल्ट मिल रहा है और लोड रेजिस्टेंस फिक्स है,
तो करंट जो है वो दैट इज़ वी जेड बाई आर एल, वो कांस्टेंट रहता है। जो एक्सेस करंट है वो डायोड में से पास होगा, और कैरेक्टरिस्टिक हमें बता रही है कि डायोड में से कितना भी ज़्यादा करंट पास होता जाए द वोल्टेज विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये एक कांस्टेंट वोल्टेज देगा हमें एक पर्टिकुलर कुछ रेंज में। ठीक है, पर्टिकुलर रेंज का मतलब है कि इनपुट को आप वेरी कर सकते हो कोई रेंज में। सपोज जैसे यहाँ पे हमने देखा 15 से लेकर मान लो 20 वोल्ट की रेंज में हमारे को जो है कांस्टेंट यहाँ पे 10 वोल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज फोटोडायोड। फोटोडायोड जो है उस पर हम लोग जो है लाइट इंसिडेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंबल इस प्रकार का है, याद रख सकते हो। ये रिवर्स बायस में काम करता है। अब ये रिवर्स बायस में काम क्यों करता है तो डिटेल में अगर जाना है तो इस पर भी मैंने आप लोगों को 2019 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो बोर्ड का पेपर है उसका सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन में मैंने ये एक्सप्लेन किया, वहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 में ऑल इंडिया में। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिवर्स बायस में काम करता है क्योंकि रिवर्स बायस में जो थोड़ा बहुत करंट होता है जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, ये करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। और जब हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसके वजह से जो चार्जेस निकलते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर में एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स हमें रिवर्स बायस में मिल रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो माइनॉरिटी की वजह से नहीं होता, वो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, वो ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। सपोज मान लो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं 1000, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं 10। लाइट हमने डाली तो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले और 100 होल्स निकले, मतलब 100 मेजॉरिटी निकले और 100 माइनॉरिटी निकले। तो इंक्रीज़ इन माइनॉरिटी कैरियर्स बहुत ज़्यादा है और इंक्रीज़ इन जो मेजॉरिटी कैरियर है, अब इनको ऐड करोगे तो दिस इज़ 1100 और इनको ऐड करोगे तो 110। तो तुम देख सकते हो जो इंक्रीज़ इन माइनॉरिटी कैरियर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इंक्रीज़ इन मेजॉरिटी कैरियर्स, इसीलिए हम लोग इसको रिवर्स बायस में काम करवाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा P इज़ कनेक्टेड टू N, N इज़ कनेक्टेड टू P, मतलब रिवर्स बायस। ये लाइट जो है सेंसिटिव मटेरियल होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट विंडो जो होती है जो लाइट, इस पर लाइट गिराते हैं हम लोग, और जैसे लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये एनर्जी जो है अगर डेल्टा ए जी से ज़्यादा है तो वो एनर्जी गेन करके जो है इलेक्ट्रॉन होल पैर निकलते हैं, जिसकी वजह से जो है अगर वो डिफ्यूज़ होते हैं जंक्शन से तो करंट बढ़ता है। इसको हम लोग ब्राइट करंट कह रहे हैं। इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, वेयर 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी डालोगे उतना ज़्यादा जो है वो करंट होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पैर निकलेंगे। नेक्स्ट जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड है। अब ये डायोड खुद लाइट निकाल रहा है इसलिए एरो बाहर की तरफ हो गया। एलईडी जो है फॉरवर्ड बायस में काम करता है, क्यों करता है मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में होता क्या, फॉरवर्ड बायस में जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है रिकम्बाइन होते हैं, और सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में है तो वहाँ से जंप करके जब वापस नीचे आते हैं होल्स के पास तो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो वो डेल्टा ई जी जितनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एच इंटू न्यू इज डेल्टा ई जी, द एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो एच इंटू न्यू को हमने डेल्टा ई जी लिख दिया। एच सी बाई लैम्डा करके हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा एच सी अपॉन डेल्टा ई जी। ठीक है, अब सिलिकॉन के लिए डेल्टा ई जी की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जब 1.14 रखोगे, एच सी की वैल्यू रखोगे तो इतना मिलेगा, विच इज़ इन इंफ्रारेड रीजन, तो हमें दिखाई नहीं देगा। पर अगर आप गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड मटेरियल यूज़ करते हो तो उसकी डेल्टा ई जी की वैल्यू इतनी होती है, और उसको जब यहाँ पे रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है 6500 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास मिलेगी, जो कि ग्रीन कलर का होता है वेवलेंथ, तो ग्रीन कलर एमिट होगा इस एलईडी में से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को अलग अलग मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, जिससे हमारे को अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। एलईडी का यूज़ जो है वो लैंप्स, वॉचेस, कैलकुलेटर एक्सेट्रा आपको पता ही होगा। एलईडी के एडवांटेजेस पूछे आते हैं तो ध्यान रहे इट इज़ लाइट इन वेट, लो पावर कंज्यूम करता है, लॉन्ग लाइफ है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल।
सोलर सेल में सोलर लाइट हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ पे सैरो अंदर की तरफ है, और लाइट डालने के बाद यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, इसलिए प्लस माइनस सिंबल भी है। ठीक है, इसका काम क्या है, इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान देंगे यहाँ पे ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, एन काफ़ी पतला है और पी काफ़ी मोटा है, काफ़ी मतलब काफ़ी पतला होता है, नियरली 25 माइक्रोमीटर जितना, और इसको पतला इसलिए रखा जाता है ताकि जो सोलर लाइट है वो जंक्शन तक पहुंच सके। अगर हम इस पर सोलर एनर्जी इंसिडेंट करते हैं हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा ई जी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर मूव करेंगे टुवर्ड्स द अपर कॉन्टैक्ट, और होल्स जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द लोअर कॉन्टैक्ट। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया है। ठीक है, और जैसे आप वायर कनेक्ट करोगे तो ये न्यूट्रलाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे मूव करेंगे, मतलब करंट जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इस करंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आता है इसको अपन फोटो वोल्टेज कहते हैं या ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। दिस इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये जो करंट है दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट। तीन स्टेप्स आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो आप लिखोगे कि भाई लाइट इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। सेकेंड स्टेप में वो सेपरेट होते हैं, इधर जाते हैं और इधर जाते हैं, और थर्ड में कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट एट द अपर कॉन्टैक्ट एंड लोअर कॉन्टैक्ट। फिर क्या लिखा, देखो दिस कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल एट द कॉन्टैक्ट्स गिव राइज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, जब यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, द करंट फ्लोज विच इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। यूजेस क्या है, स्ट्रीट लाइट, सोलर हीटर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों में जो है सोलर सेल काम आता है। अब आपको कभी कभी ऐसे पूछा आता है बोर्ड में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि कोई सिलिकॉन है या कोई भी एग्जांपल दे देंगे और बोलेंगे वो क्यों यूज़ होता है सोलर सेल के लिए, तो आपको ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए। लो कॉस्ट होना चाहिए मटेरियल का, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब होने चाहिए, उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 1.1 और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, ज़्यादातर इसकी वैल्यू 1.5 से कम हो तो ज़्यादा बेटर होता है, और कंडक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने जो है आप लोगों को सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स बता दिए हैं, और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या नाम है लॉजिक गेट्स जो है वो सिलेबस में है या नहीं है, तो बच्चों थोड़ा कन्फ्यूज़न था लास्ट वीडियो में लॉजिक गेट से रिलेटेड, तो मैंने कन्फ्यूज़न के चक्कर में मैंने बोला वीडियो डाल देते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि 100% कन्फर्म है, पर फिर भी देखो मैं तो आप लोगों को राय दूंगा कि लॉजिक गेट्स पढ़ लेना, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को लॉजिक गेट्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि CBSE की साइट पे कहीं लिखा नहीं है कि लॉजिक गेट्स आ रहा है, पर वो कुछ टीचर्स हैं जो इधर उधर के जो कन्फ्यूज़न कर रहे हैं, इसलिए मैंने कन्फ्यूज हो के आप लोगों की भलाई के लिए कि भाई कुछ मिस ना हो जाए मैंने वीडियो डाल दिया। ठीक है, जो इसके पहले वाला वीडियो आया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों सेमीकंडक्टर जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को जो है बढ़िया लगता है वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें, और जो है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा करो, बस यही है मनोकामना मेरी। थैंक यू।